आपको पता है जब मैं पहले दिन कनाडा में आया था तो मैंने आते अपने रूममेट से ये पूछा था कि बेलविल में गुरुद्वारा साहब कहाँ पर है। बिकॉज अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे हैं जो कि मैंने इंडिया में शूट किए थे तो आपको पता होगा कि मैं, मेरे मम्मा और मेरे छोटे भाई, हम तीनों की रूटीन थी, हम लोग डेली गुरुद्वारा साहब जाते थे। आज मैं ऑलमोस्ट 5 महीने बाद जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब। मैं लास्ट गया था इंडिया में दरबार साहिब जब मैंने इंडिया टू कनाडा अपनी फ़्लाइट लेनी थी, तो मैंने अपने कनाडा की जर्नी शुरू करने से पहले दरबार साहिब मत्था टेका था। तो कनाडा में आके मेरा प्लान तो यही था कि मैं अपनी उस रूटीन को मेंटेन करूं, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं कर पाया। बिकॉज आते मैंने जब पूछा था अपने रूममेट से कि गुरुद्वारा साहब है यहाँ पर या फिर नहीं, तो उन्होंने बोला अभी है बट बन रहा है तो हम लोग अभी नहीं जा सकते वहाँ पर। सेकेंडली, जब कोई स्टूडेंट नया नया आता है कनाडा में तो उसको यहाँ का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में, अपना स्केड्यूल सेट करने में थोड़ा वो टाइम लग जाता है। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए कि एक पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ता है। लाइक इस टाइम मुझे अपनी क्लासेस अटेंड करने जाना है, इस टाइम मुझे असाइनमेंट करनी है, इस टाइम मुझे काम पर जाना है, इस टाइम मुझे ग्रॉसरी करनी है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, तो इतने सारी चीज़ें जब करनी पड़ती है यहाँ पर खुद, तो थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बिकॉज कोई भी स्टूडेंट इंडिया में ये सारी चीज़ें खुद अकेला नहीं करता होता, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा ऐसे निकल गया। बट अब सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है बिकॉज असाइनमेंट बहुत कम है और जो उनसे टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं, वो ज़्यादा हैं और वो होते हैं अपने एट द एंड ऑफ द मंथ, जिसकी वजह से मुझे अब काफ़ी फ्री टाइम मिल रहा है व्लॉगिंग करने का, वीडियोज़ बनाने का, वीडियो एडिट करने का, वर्कआउट करने का, प्लस अब मैं गुरुद्वारा साहब भी जा सकता हूँ। एंड गाइस, अगर आप लोग बेलविल में नए और आपको नहीं पता कि गुरुद्वारा साहब कहाँ पर है, तो आप लोग अगर टर्मिनल से बस पकड़ते हो तो सीधा 8 नंबर बस पकड़ो वॉलमार्ट के लिए, और वॉलमार्ट से एक स्टॉप पहले मिलेनियम पार्कवे पर उतर जाओ। उसके बाद आपको वॉलमार्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में अराउंड 200 to 250 meters चलना है, एंड आपको वहाँ पर एक बाहर डोर दिख जाएगा जिसके बाहर वाहिगुरु जी लिखा होगा, या फिर अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा तो आप किसी से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। सो आज मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ बैक एंड शोल्डर्स, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं पुश पुल लेग सीरीज फॉलो कर रहा था, तो आज मुझे थोड़ा सा चेंज करने का मन कर रहा है। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as I'm ready to change scars.